खबर झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र से है, जहां कई किसान लाखों रुपए की ठगी का शिकार हो गए। दरअसल बदनगढ़ के एक अनाज व्यापारी ने किसानों से लाखों रुपए का अनाज खरीद लिया और भुगतान के समय फरार हो निकला। इस मामले में व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। वह इस पहले किसानों ने चिड़ावा थाने पर प्रदर्शन किया और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। जानकारी के मुताबिक गोदाराओं का बास शोपुरा निवासी भगवानाराम ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि अनाज व्यापारी सुरेश कुमार महाजन ने उनसे 7,42,870 रुपए की सरसों खरीदी और साथ ही 17 लाख रुपए उधार भी ले लिए। इसके बाद पैसे देने के समय पर सुरेश घर से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। ना दिया था पैसे 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने भी मुझे जरूरत पड़ती भाव करती उस टाइम पैसे नहीं देते। 5 महीने में दिया, 2 महीने में देता, 4 महीने में देता, जब हमारी इच्छा होती तब भी भाव कर लेते जिसे पैसे देते। राजेश कुमार गुप्ता है बदनगढ़ का। अच्छा अच्छा। इसको जो कहते थे और हर साल ऐसी अब की बारी है और 25 तारीख करा था, हर आदमी के 25 तारीख को पैसे सच्ची पैसे दे दूंगा। कम से कम 22 लोग तो बता रहा हूँ, बास के हैं, 15 से ऊपर के हैं और बाहर के नरड़ है, बख्तारपुरा है, नकावर है, दस्तरवाला है, नूरिया।